बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक्स घर पर इजीली और बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। ये जो मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने घर पर स्टिच किया है। इसको स्टिच करने में कितना कपड़ा लगा है और इसकी कॉस्ट कितनी आई है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक मीटर कपड़ा मैंने लिया है इसकी बॉडी के लिए। ये सीक्वेंस नेट है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसके आप स्लीव्स देख रहे हैं, सर्कुलर शेप में इनको कट करके और प्लेट्स के साथ अटैच किया गया है। अब एक, दो, तीन और चार कलर्स में हमने नेट यूज़ की है। दो दो मीटर मैंने हर कलर में नेट का फैब्रिक लिया था। 150 रुपीज़ में एक मीटर नेट आ जाती है, तो इस तरीके से 200 का मैंने इसकी बॉडी का कपड़ा लिया था। इस तरीके से टोटल कॉस्ट इसकी 1400 आई है और ये एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर फ्रॉक रेडी हुई है। अब मैं इसकी बैक साइड आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं बैक साइड पर मैंने एक बड़ी सी बो लगाई है, जिप अटैच की है। इस बो को आपने पहले पेस्टिंग पेपर अटैच करना है और फिर इसको बनाना है ताकि ये ख़राब ना हो। पीछे से मैंने हल्की सी टेल की लुक दी है और फ्रंट से ये हाई और लो शेप में इसको मैंने स्टिच किया है। इसको स्टिच करना बहुत ही इजी है, जस्ट आपको सिंपल प्लेट्स डालने हैं। इसकी बैक की कटिंग सेम जो हम रखेंगे, 5-5 इंच का हम फासला रखेंगे। सबसे पहले मैंने वाइट फैब्रिक को कट किया है, फिर उससे 5 इंच के फासले पर 5 इंच लंबाई में इजाफा करके मैंने स्किन और फिर पिंक और एंड पर मेहरून। इस तरीके से मैंने दो फ्रॉक स्टिच की हैं अपनी दोनों डॉटर्स के लिए। एक जो छोटी वाली फ़्रॉक है वो मैंने अपनी छोटी वाली बेटी के लिए स्टिच की है जिसकी एज 4 ईयर्स है, और बड़ी वाली जो है वो 7 ईयर्स की गर्ल्स के लिए बेस्ट है। बहुत ईजी वे में आप घर पर डिज़ाइनर फ्रॉक्स रेडी कर सकते हैं। अगर आप इनका स्टिचिंग मेथड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल शेयर इट विद।